Ladies and gentlemen, may I have your attention please? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगेन एक DIY। मैं हर फ्राइडे को आपके साथ एक DIY शेयर करती हूँ ताकि आप सैटरडे संडे उसको इस्तेमाल कर सको। सो अगर आप मेरे और भी DIYs का मजा लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके DIY प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे DIYs मिल जाते हैं। और अगर ऐसे ही DIYs आपको आगे भी देखने हैं तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ हेयर सीरम के बारे में। सीरम भी बहुत कॉस्टली आते हैं ना, आई होप आपको पता ही होगा। और कई ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से होते हैं। और सीरम शायद आप डेली ही अप्लाई ना करते हो तो मैं आपको कहूँ कि सीरम को डेली भी अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ हेयर वॉश किया और उसके बाद सीरम अप्लाई किया एंड दैट्स इट। जब भी आप रोज़ अपने बालों को डिटेंगल करते हो मॉर्निंग में तो एक बार सीरम अप्लाई ज़रूर करो। उससे क्या होता है कि आपके बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, शाइनी लगते हैं एंड आपके जो बाल होते हैं वो डिटेंगल होने में टाइम नहीं लेते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ DIY हेयर सीरम। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ DIY हेयर सीरम। तो ये मैंने कैसे बनाया है और इसको कैसे यूज़ करना है और इसे इसके कितने सारे बेनिफिट हैं वो अब हम देखते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कंटेनर। ये एक सीरम का ही कंटेनर है जिसे मैंने क्लीन कर लिया है। आप चाहो तो किसी बाउल में बना सकते हो, किसी भी चीज़ में बना सकते हो। सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। 1 टेबल स्पून करीब आपको एलोवेरा जेल लेना है। 4 to 5 टेबल स्पून करीब आपको लेना है रोज़ वाटर। नेक्स्ट आपको जो लेना है वो लेना है जैस्मिन ऑयल। जैस्मिन ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जैस्मिन ऑयल था सो मैंने जैस्मिन ऑयल लिया हुआ है। नेक्स्ट लेना है T3 ऑयल, जो आपको लेनी है कम से कम 6 से 7 बूंदें आपको लेनी है। उसके बाद विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स ले लूँगी मैं और इसे इसमें डाल लूँगी। नेक्स्ट मैं इसे मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरीके से शेक कर लूँगी। ये अभी भी रेडी नहीं हुआ है, इसमें आपको अभी वाटर भी ऐड करना है। सो आप इसे जब हम इसे इस तरीके से बनाते हैं तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है। ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी बालों में अप्लाई करने के लिए, बाल आपके ऑयली ऑयली से होने लगेंगे। तो इसमें क्या करना है, जितनी इसकी क्वांटिटी है उतना ही मैं इसमें वाटर डाल लूँगी। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर यूज़ किया है, आप चाहो तो पूरा रोज़ वाटर भी इसमें यूज़ कर सकते हो। सो अच्छे से मैं इसे शेक कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने बालों पर से अप्लाई कर लूँगी। 3 से 4 पंप मैं लेती हूँ एक साइड के बालों को अप्लाई करने के लिए। जो इसमें एलोवेरा मैंने यूज़ किया है वो बालों को कंडीशनिंग करता है और डिटैंगल करने में हेल्प करता है और ये डैमेज हेयर को प्रिवेंट करता है। विटामिन ई जो इसमें होता है वो डैंड्रफ को ठीक करता है और बालों को और स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है। इसमें जो हेयर ग्रोथिंग की जो पावर होती है वो आपके बालों में छोड़ता है। T3 ऑयल जो होता है वो डैंड्रफ को दूर रखता है और इची स्कैल्प जो आपका होता है उसे भी दूर करता है। सबसे बड़ा ये आपका जो इंग्रेडिएंट है इसमें ये काम करता है। जैस्मिन ऑयल जो मैंने इसमें लिया है वो बालों को शाइन देता है, बालों को काला करता है, बालों में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। अगर बाल ड्राई और उलझे रहते हैं आपके तो ये उसको भी दूर करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज बनाता है और आपके बालों को सुलझाने में हेल्प करता है, बालों को टूटने से रोकता है। और रोज़ वाटर मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है इसकी कंसिस्टेंसी को स्मूथ बनाने के लिए। जैस्मिन ऑयल आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जैस्मिन ऑयल था, मैंने उसे यूज़ किया हुआ है। या फिर ऑलिव ऑयल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें जो सीरम बनाना है उसमें हल्की हल्की हमें थोड़ा सा ऑयल की कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है ताकि वो हमारे बालों को स्मूथ बना के रखे और लंबे टाइम पे शाइनी बना के रखे। सो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। सो ट्राई जरूर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो क्या करना है, और भी लोगों के साथ शेयर करो यार, फायदा और लोगों को भी दो। सो वीडियो को क्या करना है, प्यार देना है बहुत सारा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छी वीडियो के साथ जरूर आपके साथ लेकर आऊंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।